बाबे में डकैती के दौरान बैंक लुटेरा बैंक में सभी से चिल्लाया, हिलना मत, पैसा राज्य का है, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। बैंक में सब चुपचाप लेट गए। इसे माइंड चेंजिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है, जो सोचने के पारंपरिक तरीके को बदल देता है। चोरों के चिल्लाने पर औरत उत्तेजित ढंग से टेबल पर लेट जाती है, तो लुटेरे उस पर चिल्लाया और कृपया सभ्य बनो, हम लुटेरे हैं, कोई बलात्कारी नहीं। इसे पेशेवर होना कहा जाता है, केवल उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। जब बैंक लुटेरे बैंक लुटकर घर वापस लौट जाते हैं, तो छोटे लुटेरे जो कि MBA पढ़ा हुआ होता है, बड़े लुटेरे से जो कि 6th class बस पढ़ा हुआ होता है, उससे कहता है, बड़े भाई आइए गिनते कितना पैसा हमने लूटा है। तो बड़े डाकू ने इसका खंडन करते हुए कहा, तुम बहुत ही मूर्ख हो, इतना ज़्यादा पैसा है कि हमें गिनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आज रात TV समाचार हमें बताएगा कि हम बैंक से कितना पैसा लूट लिए। इसे अनुभव कहा जाता है, आजकल कागजी योग्यता से अधिक महत्वपूर्ण अनुभव होता है। वहीं चोरों के जाने के बाद बैंक मैनेजर ने बैंक सुपरवाइजर से कहा कि पुलिस को जल्दी बुलाओ, लेकिन सुपरवाइजर ने कहा, रुको, हम अपने लिए बैंक से $10 million निकालते हैं और इसे $17 million में जोड़ देते हैं, जिसे हमने पहले बैंक से गबन किया था, निकाला था, चोरी किया था। इसे ज्वार के साथ साथ तैरना कहा जाता है, प्रतिकूल परिस्थिति को अपने लाभ में बदलना। वहीं सुपरवाइजर कहते हैं, हर महीने डकैती हो तो अच्छा है, इसे किलिंग बोरियत कहा जाता है, व्यक्तिगत खुशी अपने नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगले दिन TV समाचार में यह बताया गया कि बैंक से $100 million चोरी हो गया है। फिर चोरों ने पैसे को गिनना शुरू किया और चोरों के पास मिला $20 million। चोर बहुत गुस्से में थे और उन्होंने शिकायत की कि हमने अपने जान जोखिम में डाला और केवल 20 मिलियन ही चोरी किया है। वहीं बैंक मैनेजर ने अपनी उंगलियों की एक चुटकी के साथ ही $80 million गायब कर लिए। चोर ने कहा, ऐसा लगता है कि शिक्षित होना चोर होने से बेहतर है, इसे कहते हैं ज्ञान की कीमत सोने से भी ज़्यादा है। बैंक मैनेजर मुस्कुरा रहा था और खुशी था, क्योंकि शेयर बाजार में उसका घाटा अब इसी डकैती से भर गया है। इसे अवसर को जब्त करना कहा जाता है, जोखिम उठाने का साहस। यहाँ असली चोर और लुटेरा कौन है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको कैसा लगा ये कहानी, मज़ा आया तो आप एक लाइक ज़रूर करना।